ये क्या कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। आई थिंक थोड़ा सा रिवाइंड लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैंने आज अपर पहना हुआ है। सर्दियों का मौसम आ चुका है। जो कर रहे वीडियो बनाने दे। सर्दियों का मौसम आ चुका है, बहुत ज़्यादा ठंड है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और हम लोग सुबह की एक्सरसाइज करने निकले हैं, सुबह की वॉक समझ लो, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। आज अब्दुल्ला का आखिरी दिन है, अब्दुल्ला ने शायद कल चले जाना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आज आखिरी दिन है तो सोचा कुछ इन्जॉय कर लें, वर्थ इट बनाने के लिए इसको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आपको एक गांव का विजिट कराने वाले हैं। गांव है अब्दुल्ला की नानों का। ये गांव खुशाब के पास वाक़े है और हम यहां पर अपनी नानों को रिसीव करने के लिए आए हैं। तो यार गाइस अभी सीन कुछ ऐसा है ना, ये रहे समी भाई लॉगिंग द कार और वो रहा साद, और उस वक्त हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमने पहुँचना था, हमारी मंजिल, हमारी अखंड आखिरी मंजिल। तो चलें आपको हम थोड़े मंजिल के शर्रे चेक कराते हैं। ये साद भाई टाइट पजामे के साथ गट्टू उठाते हुए, पजामा फट जाना है। किसी भी हादसे की सूरत में इंतजामिया जिम्मेदार नहीं हो रहे। यार जाओ डिप्रेशन करो तो फिर कहते हैं और ना करो तो फिर कहते हैं। चले आप आगे तो चले। इसका बैकअप प्लान कोई नहीं है। यहाँ से किसी घर का पर्दा उतार के बांधना पड़ेगा। देख सकते हैं साथ भाई बहुत एक नेकी का काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको साथ भाई ने अभी तक अपना नया इन्फिनिक्स नहीं निकाला, अल्लाह खैर करे। ये आपकी जेब में नजर आ रहा है, बहुत बड़े झूठे हैं साथ भाई। गाँव का आप लोगों को ऊपर से व्यू दिखाते हैं। आज
यह आपको हम पहली बार दिखाते हुए, ऐसा आपने ज़िंदगी में पहली बार देखा हुआ बिल्ली बांधी हुई है। बेटा वाइल्ड हुई बैठी है। पहले गड्डी नहीं चाबी जमा कराओ ना फिर करनी। नहीं पे दीवारें देखो छोटी छोटी हैं गांव की, आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से देख सकते हो। माशाल्लाह कद भी बहुत लंबे हैं, खोते जितने तो कद है देख सकते हैं आप। अब्दुल्ला तेरा आज आखिरी दिन है, कैसा फील हो रहा है तुझे? यार बहुत अफसोस है, सैडनेस है, क्योंकि मंडे से जाके वही डेली रूटीन स्टार्ट हो जानी है और ऐसा कम ही मौका मिलता है ऐसी जगहों पर आके खुश होने का। मैं चाहता हूँ हमेशा यहीं पे रह चुका, लेकिन दैट्स पॉसिबल। तो चलो कोई नहीं, लाइफ का हिस्सा होता रहता है। आपको हम बाकी शिपैक चेक करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं खेत, खेतों की खूबसूरती क्या है। पता नहीं माल्टे लगे हुए हैं या नहीं, वैसे मौसम तो है माल्टों का, पक्के खड़े होंगे माल्टे, देखते हैं। तो समी भाई आप ज़रा हमें ये बताइए कि आपको कैसा लगा ये गांव? बहुत अच्छा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि तेरे नानों का घर है पहले इधर तो ये। और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि इसकी खूबसूरती देख लो, कितनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है। अभी तो इसमें अगर बाग होते ना, मतलब अगर इसमें माल्टे वगैरह होते तो और भी अच्छा लगता। और ये साथ भाई आ रहे हैं पीछे, इनके वैसे ही पजामे का मसला चल रहा है, अलग है घर सही पहुँच जाए। अरे इंशाल्लाह मुझे अगर बदवा देने लगे। अब हम ट्यूबवेल की तरफ जा रहे हैं जिससे ये सारे खेत खराब हो रहे हैं। अब हम वापस जा रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, अभी थोड़ा सफ़र रहता है हमारा। ये आप देख सकते हैं सब्जी की दुकान है, है तको बहु गर्मियाँ आ गई हैं, हालत तको जरा। गलत हो गया यार, खबरदार है किसी ने अपने बारे समोसे की बात। समी भाई यार ये हमारे पेंट के चौधरी साहब बैठे हैं, बूथा तक है घिसा हुआ टायर। अरे भगवान जी घोड़े चुप करके बोल। हाँ हूँ कुछ सवाद आया ना स्टोरी दा। तो गाइज ये थे मलक फैमिली के मजाते हुए बच्चे, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम गाइज, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। ये साथ है, ये तो वीडियोस में आता रहता है, आपको पता होगा। और मेरी गाल तो खत्म होने दे।
बच्चू तेरी वो वीडियो बनी है वो अभी सीन कुछ ऐसा बन रहा है ना कि हम लोग वहाँ सीन वाली बात नहीं है। अच्छा अभी कोई माहौल कुछ ऐसा बन रहा है ना कि वहाँ पर एक ट्यूबवेल चल रहा है तो वाहिद हमें नजर आया अभी तो चलिए चलते हैं तो यार एक तो कैमरे और ये गांव जो है वो खुशाब के पास वाक़ है और हम लोग अपनी नानों को रिसीव करने आए ये नहीं करनी आ जा जाने दो ना इस तरह सुबह ये बना ले ना बना ले इधर इधर देखना भाई आपकी आवाज गूंज रही है साथ चुप कर आपकी आवाज गूंज रही है अस्सलाम वालेकुम गाइस इट्स योर बॉय डार्क लॉर्ड बैक विद अ न्यू व्लॉग बेबी स्टार्ट करने स्टार्ट कब करने अब्दुल्ला पर्दा हटा ना सम भाई ऊपर वो भी है रोशनदान भी है मैं आ जाना है I still see your shadows in my room. I can't take back the love that